नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। ये शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन की। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव का 49वां जन्मदिन बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से केक काटकर जश्न मनाया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगे हैं गुब्बारे, खुशी का इजहार कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और करनल विधानसभा से विधायक अखिलेश यादव का 49वां जन्मदिन था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों में सुबह से ही उत्साह दिखाई दिया। पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में समाजवादियों का हुजूम एकत्रित हुआ। पार्टी कार्यालय सभागार में बड़ी ही इज्जत के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 49वां जन्मदिन मनाया गया और सभी लोगों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के मैनपुरी से पूर्व सांसद रहे तेज प्रताप यादव और नव निर्वाचित हुए विधान परिषद सदस्य मुकुल यादव, पूर्व प्राविधिक शिक्षा मंत्री रहे आलोक साह के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव समेत कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं जन्मदिन के मौके पर सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को और भी दमदारी से विजयी बनाने का काम किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब आरक्षण के माध्यम से ही तो बहुत सारी जातियां आगे आ रही हैं। मैं भी एक आरक्षण का ही हूं। अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद इस पद में नहीं होता।